प्राइवेटाइजेशन मैंने पहले ही कहा है, एजेंडा 21 मीन्स प्राइवेटाइजेशन। हर कुछ प्राइवेट होने वाला है, आपकी ज़मीन, आपकी हवा, आपकी लैंड, आपका पानी, आपकी जायदाद, सब कुछ। साइड इफेक्ट हो गए चांदेकर जी, बिल्कुल साइड इफेक्ट हो गया। आज नहीं तो 5 साल में दिखेंगे, 5 साल नहीं तो 10 साल में दिखेंगे। जल्दी क्या है, लगा लिया है ना, तो रुको ना। अब खाना रखते ही चावल पक गया क्या, आप जाके खाते हो क्या, देखना पड़ता है। चावल का एक दाना निकाल के देखना पड़ता है दबा के। हाँ तो रुकिए ना, साइड इफेक्ट दिखेंगे ना। जल्दी क्या है, लगाने की जल्दी की है ना, तो असर उसका इफेक्ट भी देखने के लिए थोड़ी राह देखिए। तो मैंने कहा है ना, जब एक्चुअली वो मूवी तो डिलीट हो चुकी थी, कल मुझे गलती से मिल गई तो इसलिए मैंने डाली आपको। वो भी मैंने कहा है कि देखने के पहले, डिलीट होने के पहले देख लीजिए। मोदी जी ने भी लगाया है क्या, क्या? शाह अमित जी ग्लूकोज का पानी किसने देखा है मेरे को बताओ। चलो शरद पवार साहब ने टीका लगवाया, दलाई लामा ने टीका लगवाया, मोदी जी ने लगवाया, हर्षवर्धन ने लगवाया, जाके देखा आपने, असली टीका था, ग्लूकोज का पानी था। तो याद रखिए, बेवकूफ बनते हैं आप, बनाते हैं लोग। और ये आपने कह रहे चिपमा जी कोविड में आता है, तो मैं कह रहा हूं ना आपको, वैक जो टीका बनता है, जो वायरसेस लिए जाते हैं, वो अफ्रीकन मंकी के किडनी सेल से ही लिए जाते हैं। और कहाँ से आएंगे, हवा से बनाएंगे। तो सबसे पहले समझ लो, जो भी ये चिंपाजी मंदिर से जो लिया जाता है वायरस, इसमें SP40 वायरस आ जाता है। और SP40 वायरस जो आता है वो कैंसर पॉजिटिव है। ये नील मिलर का रिपोर्ट है, मैंने दिखाया था मेरे पुराने वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मन से एक में वो पक्ष है, एक आहे भूमिका घेतली यासाठी मन से मोठे बांधणी का करत नाही। मयूर नागपुरे, नागपुरे साहेब, याचं उत्तर तुम्ही, इसका जवाब आप संदीप देशपांडे साहब, राजू पाटील साहब, विला जगदरे जी, अंधभक्तों की वजह से देश डूबेगा। बिल्कुल अंधभक्तों की वजह से नहीं, देखो अंधभक्तों की वजह से देश नहीं डूबेगा। समझिए, दो लोग आप चुनाव के लिए देखते हो, एक समझो एक बीजेपी है, एक है फिर कांग्रेस है, ऐसी दो नेशनलिस्ट पार्टी है। एक बोलता है हम प्लेन उड़ाएंगे, यानी हम देश चलाएंगे, और एक कहता है कि मैं आपको 30,000 फीट पे प्लेन को आराम से लेके जाके चलाऊंगा और आपको लैंड करवाऊंगा सुरक्षित। दूसरा बीजेपी आता है, कहता है मैं आपको सबको इकोनॉमी क्लास से उठा के बिजनेस क्लास में डालूंगा। भारत के लोग क्या बोले, अरे वाह, इकोनॉमी क्लास से हमें, यानी हमारा आज का पर कैपिटा, मेरे मेरे पॉकेट में जो 2014 में आता था पैसा, पर महीना पर कैपिटा, हर लोगों के पूरे पर कैपिटल, यानी हर आदमी के सर पर डर डोई उत्पन्न, अगर मेरे जेब में आता है 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का, मगर मोदी साहब कह रहे कि मैं आपको डायरेक्ट लाख रुपए कमा के दूंगा। तो ये जो आपके 25-30 हज़ार रुपये जो आ रहे थे, जो आप इकोनॉमी क्लास में बैठ सकते थे, यानी जनरल डब्बे में बैठ सकते ट्रेन के, मोदी साहब ने आपको, आप सबको एसी क्लास में बिठाऊंगा। सारा भारत उस अंध फेंके हुए जुमले में, उस झकोसले में डूब गया। सबको इकोनॉमी क्लास के प्लेन से बिजनेस क्लास में लेके जाने वाले थे मोदी साहब। देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं, यानी प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस नहीं। गुजरात मराठवाड़े से भी छोटा है, मराठवाड़े में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, टोटल मराठवाड़े की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, गुजरात की पॉपुलेशन 2 करोड़ भी नहीं है। और उस छोटे से एरिया के मुख्यमंत्री साहब पूरे देश के प्लेन को उड़ाने को बैठ गए, पता तो नहीं था कैसा करना, पूरा का पूरा इकोनॉमी क्रैश करवा दिया, किसके कहने के ऊपर, जो को पायलट बिल गेट्स था और नीलकानी था। नीलकानी देश चलाता है, इंफोसिस का चेयरमैन है वो। क्या अगर नीलकानी देश नहीं चलाता है तो वो कौन है जो सर्वेलेंस स्टेट्स का डिसीजन लेता है भारत को सर्वेलेंस स्टेट्स लगाना चाहिए? सर बिल गेट्स वर्सेस फार्मर्स, ये कंसेप्ट मैंने समझाया भाई साहब आपको, आप मुझे साके समझा रहे हो,
21 सितंबर को अगर कृषि बिल आप जाके देखिए, 21 सितंबर तक किसी भी बंदे ने किसके बारे में बात नहीं की थी। जगाओ किसानों को, जगाओ जो केरल के, साउथ के, महाराष्ट्र के जो किसान हैं अभी भी सोए हुए, इनको समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जगाओ उनको। ये जो प्लेन चला रहे मोदी साहब, ये पूरा का पूरा उन्होंने क्रैश कर चुके हैं, उसके पंखे टूट चुके हैं, नेविगेशन सिस्टम घंटाधार हो चुकी है, रॉकफेलर फाउंडेशन के और बिल गेट्स के फाउंडेशन के डीजल पेट्रोल पे वो चल रहा है, धकेल रहा है, उड़ रहा है, जब तक उड़ रहा है, जिस दिन ये डीजल ये क्रैश हो जाएगा, चील कौवे की तरह नोचने आएंगे ये कॉरपोरेट लोग भारत को। फिर मत कहना आज जो ये आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर लॉकडाउन लगवा रहे हैं, क्या मिलेगा? आरटीपीसीआर टेस्ट 2017 में खरीदिए, मैंने आपको प्रूफ दिखाए हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि टीका लगाने के बाद आपको मास्क की जरूरत नहीं, आपको सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं। अरे जब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ही है, देखिए मैंने आपको पहले कहा है, आप जब मास्क लगाएंगे और जब सांस लेंगे तो आपके बॉडी में वायरस जाएगा। कितना भी बड़ा मास्क रहन दो, कितना भी बड़ा गमछा रहन दो, अगर आपको बॉडी में वायरस नहीं जाने देना है तो आपको सांस नहीं लेनी है। क्या करना है आपको, समझ रहे हैं क्या आप? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सेक्रेटरीज ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, सेक्रेटरीज ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरीज ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ एवरी स्टेट, सुन लीजिए, अगर आपके बदन में वायरस नहीं जाना चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको सांस नहीं लेनी होगी, तभी आपके बदन में वायरस नहीं जा पाएगा। तो मुझे बताओ, सर्दी खांसी का वायरस से बचने के लिए आप लोगों को मरने के लिए कह रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है यार? ये कौन सा लॉजिक है? जब तक वायरस आपके बॉडी में नहीं जाना है तो आपको सांस रोकनी होगी, ये लॉजिक तो नहीं समझ में आता मुझे। और लगे पड़े हैं एक एक लेयर, दो दो लेयर, तीन तीन लेयर। अरे भाई साहब, वैसे भी तुम्हारे बॉडी में जब वैक्सीन नहीं जाएगा, जब उसका परसेंटेज 32-30% के नीचे चला जाएगा, तो आपका जो ऑक्सीजन सेल्स जो है वो डेड हो जाता है और कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप वैसे भी आपके बॉडी को कैंसर की तरफ लेके जा रहे हो। क्यों? जितना आप घरों में बैठे होगे, जितना आप सूरज की धूप नहीं लोगे, विटामिन डी नहीं मिलेगा, पागल हो जाओगे। इट्स न्यू ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन कॉन्शियसनेस के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर पता नहीं होगा तो आपके दोस्त को पूछ लीजिए, कोई डॉक्टर होगा तो। घरों में बैठे हो, सूरज नहीं देख रहे हो, महामारी में एक भी भिखारी जो सिग्नल पे खड़े होकर भीख मांगते थे मरा नहीं है, मरा नहीं है। गुलाम हो तुम, तुम्हारी मानसिकता पूरी की पूरी गुलामी की है। वैक्सीन पोर्ट बारे में करो, मैंने गुलाम बनने के लिए रेडी हो, पासपोर्ट चाहिए हमें वैक्सीन का, टीके का, गुलाम मानसिकता है तुम्हारी, पूरी की पूरी गुलाम मानसिकता है। अंकित श्रीवास्तव, गुलाम मानसिकता है तुम्हारी। ऐसे गुलामों को प्लीज मेरा वीडियो ना देखे। जिनको गुस्सा नहीं आता है गुलामी का, उन लोगों ने मेरा वीडियो ना देखे, वो मोदी जी की ताली थाली पीटे। तो जागो, जगाओ, वरना मरो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम है आपको सच्चाई बताना, सच्चाई दिखा दी आपको। बिल गेट्स, अदानी, नील कानी के वाइफ को 2 दिसंबर 2019 को आईसीएमआर के ऑफिस में बिल गेट्स ने अवार्ड दिया था, जाके आप गूगल सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपको न्यूज़। दिसंबर 2019 आईसीएमआर के ऑफिस में क्या किया था ऐसा नील कानी के वाइफ ने? नील कानी की वाइफ है और सपोर्ट कर रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और सर्विलेंस स्टेट्स को, तो अवार्ड। जागिए, जगाइए, बचाइए, जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।